वालेकुम गाइस, कैसे हैं? दुआ करते हैं सब लोग अच्छे होंगे और खुश होंगे। तो ब्लॉग शुरू हो गया सुबह सुबह। आज है रक्षाबंधन, तो हम जा रहे हैं कि मेरा अजान आ गया। अजान सलाम करो बेटी सबको। हाँ, तो गाड़ी नीचे रखो। तो गाइस, आज हम जा रहे हैं अपनी बेटी को लेने रक्षाबंधन के दिन, क्योंकि बस इतने दिन से कहते जाएंगे जाएंगे, तो अचानक प्रोग्राम बन गया। तो हम जा रहे हैं बरेली अपनी बेटी को लेने, और फिर आने जाना करेंगे बस आज शाम तक। हाँ, आज शाम को पहुंच जा। नहीं, आप घर में रहना, हम तो भाई के साथ जाऊंगी। मैं जल्दी से जाऊंगी, जल्दी आऊँगा। काजल देखो कितना फैल गया मेरा। तो गाइस, यहाँ पर जो है ना, हम मैं और मेरा बेटा अजान तो नहीं जा रहा, अजान क्योंकि जल आना जाना कर रहे हैं ना, हम लोग लेके आएंगे बस बेटी को, अपनी शिफा को। तो गाइस, मैं हमजा के साथ जा रहे हैं और चलते हैं फटाफट आनंद विहार। ढाबे पे रुके हैं यहाँ पर, और थोड़ी बारिश हो रही है। आपने वो ट्राई किया? साढ़े आठ बजे में है और काफ़ी देर हो गई बैठे बैठे। इंतज़ार। और पता है सबसे अच्छी बड़ी बात, सबसे अच्छी बात ये है कि आज रक्षाबंधन है, तो हम फ्री में जा रहे हैं और हमारे बेटे के लिए पैसे, मतलब लिए 600 रुपये, 600 रुपये लिए हैं। क्योंकि आज लेडीज सारी फ्री, लेडीज बेटी सारी फ्री में जा रही हैं, मगर 600 रुपये जो है पैसे लग रहे हैं। 600 रुपये टिकट है, फुल ए सी होगी गाड़ी है। एक इसमें एक पर्सन के होते हैं 600 रुपये। तो आज रक्षाबंधन है, तो रात 12 बजे तक लेडीज जितनी सारी फ्री बस वाले हैं। आज के दिन सारी लेडीज फ्री, जितनी सारी इनकी जिले हैं जो बस में बैठी है, तब फ्री कर रहा है सरकार ने, फ्री कर रहा है। और गाइस, यहाँ पर मतलब जो जेंट्स हैं वो हैं, अगर लेडीज दो है या एक है फ्री है, तो ये बहुत फ़ायदा हुआ रक्षाबंधन का। हमें तो फर्स्ट टाइम मैंने तो रक्षाबंधन पर मतलब सफ़र करा है, तो मुझे आज पहली बार, मुझे बचपन से लेकर जवानी तक पहली बार मुझे स्कीम पता चली है। सारों का दिन लेडीज फ्री फ्री फ्री, और मुझे इनके लगे हैं 600 600 600। हमारी बस स्टार्ट हो गई है, हम आगे रास्ते पहुँच गए हैं। और मेरे बच्चा भी मिला है, तो मैं तो बिल्कुल फंस के बैठी हूँ कि ऐसी वाली गाड़ी जो होती है थोड़ी सी कम्फर्टेबल नहीं होती, मगर हाँ ठीक होती है। आप आगे नहीं करते हैं, आप देखते हैं कितने पहुँचते हैं। तैयार नहीं चल रही थी, पहुँच गए सेटेलाइट। भाई बहुत लेट पहुँचाया आपने, तो चलो आ जाए। गाइस, सारा अंधेरा हो गया यहाँ पर, मगर फिर भी अल्लाह का शुक्र से हम पहुँच गए। और मेरा बेटा और मैं, सन्नाटा बहुत हो रहा है, बस पहुँच जाएंगे अब घर अपनी बहन के। पहुँच गए घर और मिल गई हमारी बेटी सीपा है, दम निकल आ रहा है हमको भी। तो पहुँच गए हम घर, सब सो रहे हैं इधर। और मेरा टिट्टू कहाँ गया? टिट्टू टिट्टू सो रहा है मेरा बच्चा। और टिट्टू ला कैसे फैल के सो रहा है, देखो उसको।
अल्लाह बहुत थक गए हैं, बच गए हैं बार। और ये देखिए सुबह हो गई है, सुबह सुबह दाऊद देखो अपने मामू जान के साथ खेल लगा है दाऊद, वो देखो दाऊद, और हमने देखो हम क्या कर रहे हैं देखो। ये हमारे बैठे हुए हैं बेटे साहब, भांजे भी, हमारे दामाद भी, और ये देखो मुझसे दबा रहे हैं पैर अपना, ये देखो इनकी गुलामी करनी पड़ ली, देखो दामादों के पैर दबा रहे हैं, देखो गाइस देखिए, ऐसी कोई सास होगी जो अपने दामाद के पैर दबाएगी, ये देख इसकी गर्दन पे पैर रख देती, रुक जा कहाँ तेरी गर्दन, ये तेरी गर्दन पे पैर रख देती, ये देखो गाइस देखो सास दामाद को दबा रही है हाथ पैर, ये देखिए गाइस देखिए, तारीफ करो मेरी तारीफ सब जने। चल उठ जा फटाफट, चल सिर्फ। और ये देखो मेरा दाऊद, ये मेरा दाऊद देखो कितना खुश हो रहा है, कितना खुश हो रहा है, और अब हो रही है वापस जाने की तैयारी है दाऊद। तो ये देखिए आबो 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 कह रहे हैं, आबो आबो, तो अब जा रहे हैं घर वापस दिल्ली भागम भाग। जी सलाम जी जी चलो। हाँ रिक्शा खड़ा है सामने और सुबह बज रहे हैं 12 बज रहे हैं 12, तो फटाफट चलते हैं वापस घर, और यहाँ बहुत तेज़ बारिश हुई थी बहुत ज़्यादा वाली, बैठ गए हैं अब हरी बेटी और बेटा भी आ रहे हैं उधर, तो ये आ गए हैं दाऊद साहब हमारे, ये आ गए तकी भाई साहब, वो बेटा आ रहा है उधर, बेटी बहन आ रही है जल्दी से। दाऊद हम छोड़ जाएँ तुम्हें, तुम्हारी अम्मा को लेके जा रहे हैं ना, कहाँ ले जा रहा है, चाचू के पास जाओगे, आ जाओ, तो इधर ये भी आ गए। हो एक हफ्ते में वापसी, अभी कल ले जाना, आज हम ले जा रहे हैं, कल तुम आ जाना, अच्छा बाय बाय, ठीक है तकी, आज हम ले जा रहे हैं, कल तुम लेने आ जाना, ठीक है चाची को अम्मी को सबको सलाम बोल देना, नहीं नहीं चुप से संभाल ले गए। तो अब निकल गई हमारी गाड़ी फटाफट, देखिए यहाँ की गलियाँ गाँव याद आता है, तो आज इतने अर्जेंट आए थे बस, सुबह रात को आए और सुबह जा रहे हैं सलामकुम। तो ये देखिए सारी बारिश होती है यहाँ पर बहुत तगड़ी वाली, अभी यहाँ से जा रहे हैं बरेली, बरेली से सीधा दिल्ली, तो सफ़र चलता है, इतनी गर्मी में सफ़र इतना, पहुंच गए घर अल्लाह तेरा शुक्र, घर आ गए हैं, आके हम नहा लिए और इतना थक गए बहुत ज़्यादा, क्योंकि रक्षाबंधन पे गए थे, फिर एक दिन का ब्लॉग थोड़ा थोड़ा करके सारा मिला के, तो आज का ब्लॉग मेरा कैसा लगा, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिए, मेरे चैनल को शेयर सब्सक्राइब लाइक कमेंट जरूर करना, अल्लाह हाफिज़। बहुत थक गए से कहते हैं बस, तो अब सीधा सोने जा रही हूँ, खाना वाना कुछ नहीं खा रही, देखेंगे जब रात को आँख खुलेगी तो, मगर अल्लाह हाफिज़।